नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने मैं ये स्टेथोस्कोप के साथ आया हूँ क्योंकि मैं आप सबको आज मैं ब्लड प्रेशर मैन्युअली कैसे चेक करना है ये मैं आप सबको मैं बताऊँगा। मैन्युअली ब्लड प्रेशर हम ये ब्लड प्रेशर मशीन से चेक करते हैं जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्पिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। तो आज हम स्पिग्मो मैनोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है और ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर से कैसे अलग है ये सब हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो आज मेरे पास ये स्पिग्मो मैनोमीटर है और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको मैं बता देता हूँ कि अगर आप डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर को कैसे यूज़ करना है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर नापने के साथ साथ अगर आप एक ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो रिपोर्ट है वो कैसे पढ़ेंगे वो भी सीखना ज़रूरी है। हम सब मेडिकल लाइन में हैं, हम सब फिजियोथेरेपिस्ट, हम सबको सीखते रहना चाहिए। तो ईसीजी के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अगर ईसीजी कैसे रीड करना है उसका जो एक ग्राफ होता है पी क्यू आर एस टी आप अगर याद कर पा रहे होंगे तो उसके बारे में अधिक जानना है तो आप उसका लिंक मेरा एक ब्लॉग है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आप वहाँ लिंक में जाकर के मेरे ब्लॉग को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे आपको नॉलेज आपको मिलेगा। आप मेरे ब्लॉग में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैनुअल ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है ये अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते तो अंग्रेजी पे मैंने पहले से वीडियो बनाया है सबको हेलो तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं तो लाइव में हूँ। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर मैनुअली जांच करने के लिए आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है, ठीक है, ये स्टेथोस्कोप है। और उसके बाद आपको ये स्पिग्मो मैनोमीटर की ज़रूरत है। तो ये मेरे पास स्पिग्मो मैनोमीटर है, इसको मैं खोलता हूँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्पिग्मो मैनोमीटर है, ये इसका आर्म कफ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे मर्क्यूरी की रीडिंग आती है। यहाँ पे जैसे जैसे हम आर्म कफ को इन्फ्लेट करेंगे यहाँ पे मर्क्यूरी की रीडिंग आती है, ठीक है। तो आर्म कफ देख लीजिए, ये आर्म कफ है, इसी को हम लोग आप देखेंगे डॉक्टर लोग यहाँ पे आर्म में इसको बांधते हैं, इसी को आर्म में बांधा जाता है और इसको इन्फ्लेट किया जाता है। ये जो इसमें जो बल्ब है ये बल्ब से इस किस तरह से करके इन्फ्लेट किया जाता है। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि क्यों इसमें हवा इन्फ्लेट किया जाता है, इसके पीछे साइंस क्या है, सब मैं बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, जितना लाइक करेंगे मुझे उतना इंकरेजिंग लगेगा और उतना मैं आप सबको आगे चल के मैं ऐसे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं फिर लाइव आना बंद कर दूंगा मैं। और फिर उसके बाद तो चलिए इसको कैसे जांच करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आर्म कफ है, आर्म कफ में दो ठो ट्यूब है, ये देखिए एक ट्यूब जो है आपका ये जो मशीन है, मशीन में एक आउटलेट रहता है उसमें से ये जोड़ना है इसको, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है। तो मैं लाइव में हूँ इसलिए बहुत सारा चीज़ मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के। देखिए मैं इसको जोड़ देता हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिए ये इससे जुड़ गया, ठीक है। तो उसी तरह से आर्म कफ में एक दूसरा एंड जो है वो इस बल्ब से जुड़ा हुआ है, यही बल्ब को हम लोग को कंप्रेस करना है और इसको इन्फ्लेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो आर्म कफ है इसको अपने आर्म में, अपने मतलब कि अपने मरीज के पेशेंट जिसका भी आपको रीडिंग लेना है वहाँ आर्म में यहाँ पे लगाना है। और आप नोट करेंगे कि आर्म कफ का जो लोअर एंड है वो जो है आपका जो एल्बो लाइन है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये जो एल्बो लाइन दिख रहा है इससे दो उंगली यानी कि लगभग 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो है 1.5 इंच एल्बो लाइन से ऊपर है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है। और
ये जो ट्यूब है, एयर ट्यूब है, ये सामने की तरफ रहना चाहिए, ठीक है, सामने की तरफ रहेगा ये, ये इस तरफ या फिर ये इस तरफ, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सामने की तरफ और ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप आर्म कफ लगा लेंगे, उसके बाद फिर आप ये मशीन को आप कर देंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इसको इस तरह से मतलब प्रेस करके आप इसको इन्फ्लेट करेंगे। तो मैं इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके पीछे साइंस बता दूं कि देखिए, हम लोग का जो हार्ट है उसमें दो फेजेस, हार्ट साइकिल के दो फेज होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो जब हम आर्म कफ लगा, हम जो भी जो भी हम हार्ट बीट सुनते हैं वो यूजुअली वो सिस्टोलिक हार्ट बीट होता है। तो जब हम आर्म कफ को यहाँ लगाते हैं और हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आर्म कफ का एयर प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों बिल्कुल बराबर हो जाता है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हम लोग के आर्म में बंद हो जाता, रुक जाता है और हमें हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो जाता है। तो मान लीजिए आपने आर्म कफ यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप से, इस तरह से स्टेथोस्कोप लेंगे और फिर स्टेथोस्कोप का ये जो डायफ्राम है उसको आप यहाँ पे रखेंगे, लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, ब्रैकियल आर्टरी में लेंगे और फिर हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट के लिए मैं दिखा देता हूँ, चलिए मैं ये इसको मैं लगा देता हूँ अपने आर्म में। ठीक है, फिर इसका दूसरा एंड मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ इसलिए। फिर ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल में अब इसको मैं पंप करूँगा, ठीक है, बल्ब को मैं पंप करूँगा। ये देखिए मर्क्यूरी धीरे 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 बढ़ रहा है, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, धीरे 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 बढ़ रहा है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। और जब ये लगभग लगभग 180 के ऊपर पहुँच जाए तब आपको, और साइमल्टेनियसली आपको कान में सुनना है आपको अपना स्टेथोस्कोप लगा करके कि कैसे हार्ट बीट सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एक फिर धीरे जब 180 तक जब पहुंच जाएगा फिर धीरे धीरे आप उसको डिक्रीज़ करेंगे, मतलब कि ये बल्ब का ये नॉब है उसको खोलेंगे तो इसमें से एयर निकलेगा, ठीक है। फिर उस समय एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको हार्ट बीट सुनाई देना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब वो हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगा तो वो आपका सबसे अपर रीडिंग, ब्लड प्रेशर का अपर रीडिंग डायस्टोलिक सिस्टोलिक रीडिंग होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि 180 जो होता है वो 180 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा। फिर आप आपको हार्ट बीट सुनाई देगा धीरे 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 धीरे, आप जैसे जैसे ये नॉब को खोलेंगे, लूज़ करेंगे, मर्क्यूरी लेवल और नीचे जाता जाएगा। फिर आप एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर से आपको हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा। वो पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट जो लोअर पॉइंट है वो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो वो नॉर्मली 80 होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होगा। अगर मान लीजिए वो 140/90 है, अगर ऊपर वाला रीडिंग 140 है और नीचे वाला रीडिंग 90 है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 होगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से मैं समझाऊँ तो सबसे पहले आप आर्म कफ को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। आर्म कफ को लगाने के बाद आप इन्फ्लेट करेंगे धीरे 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 धीरे, मर्क्यूरी लेवल को आप 180 तक मर्क्यूरी लेवल को आप पहुंचा देंगे, ठीक है। 180 तक इसलिए क्योंकि वो एक सेफेस्ट एरिया है जहां से आप हम एक अच्छा मतलब कि आपको मिस नहीं होगा रीडिंग्स। उसके बाद 180 लेवल पे आप अगर आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे हार्ट बीट तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी हार्ट बीट सुनाई नहीं देगा। फिर जैसे जैसे आप नॉब को लूज़ करेंगे वो मर्क्यूरी लेवल डिक्रीज़ होगा
और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर रीडिंग जो है वो होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मान लीजिए वो अगर 130 के ऊपर रुकता है तो वो 130 आपका सिस्टोलिक। तो उसके बाद फिर धीरे 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 डिक्रीज आप करेंगे, आपको हार्ट बीट सुनाई देगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा डिक्रीज करते करते के मर्क्यूरी लेवल को, जहाँ पे आपको हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर पॉइंट को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कहेंगे। तो अगर मान लीजिए नीचे वाला रीडिंग अगर 80 है तो आपका 130/80 आपका रीडिंग हो गया। तो यही छोटा सा एक वीडियो मैं आप सबको मैं सामने लगा, आप उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और इसी ऐसा ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।